हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू 28 जनवरी 2021 में मार्केट कैसा होगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट की हेल्प से। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम लोग फॉल देखें निफ्टी में तो कंटिन्यू फॉल आता जा रहा है, जैसे कि हमने बात की थी लास्ट डेली मार्केट रिव्यू के वीडियो में कि जो 18 जैन का जो एक सपोर्ट जोन है, जो एक हायर लो है, प्रॉपरली निफ्टी ने उसको एक रिस्पेक्ट दिया था और वहां पे एक रुका हुआ था प्रॉपरली। अगर हम लोग देखें जो कल का एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के वहां पे निफ्टी ने आके क्लोजिंग के टाइम 25 जनवरी को एक सपोर्ट लिया था। अगर हम लोग देखें तो इस कैंडल का जो लो था वो था 14,222, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और इस कैंडल ने जो लो बनाया था, जो लास्ट कैंडल है 3:15 की, उसमें उस लो को उसने तोड़ा था, मगर ज्यादा नहीं तोड़ा था, 14,218, मतलब 4 पॉइंट से निफ्टी ने उसको ब्रेक किया था। मगर आज गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुई है, 81 पॉइंट ही माइनस मॉर्निंग में ओपन हुआ था। अगर हम देखें, अगर क्लोजिंग यहाँ की देखें, इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो थी 14,247, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और जो इसकी ओपनिंग थी वो थी 14,200, तकरीबन 46 पॉइंट मॉर्निंग में ही माइनस ओपन हुआ था, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था। और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो सपोर्ट था वही अभी रेजिस्टेंस हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपरली एक रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली देख सकते हैं 14,222 का, मतलब जो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था 14,222 का, जो सपोर्ट था वही अभी 14,222 का एक रेजिस्टेंस हो गया है। मॉर्निंग में एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद निफ्टी कंटिन्यू नीचे आती रही। वैसे हम लोग ने बात की थी इसके पहले भी, मार्केट अगर ये सपोर्ट जोन तोड़ दे तो हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखेंगे और नेगेटिव साइड ही हम लोग देखेंगे, नहीं कोई फ्रेश पोजीशन बनाना अवॉइड करेंगे। हम लोग ने लास्ट डेली मार्केट रिव्यू के वीडियो में हमने बात की थी, अगर हम लोग डेली मार्केट पे देखें तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अब क्या हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम रिट्रेसमेंट की अगर हम लोग बात करें, अगर रिट्रेसमेंट की बात करें तो यहाँ के हायर लो से प्रॉपरली 0.618% का रिट्रेसमेंट लिया था निफ्टी ने, यहाँ के हाई से जो ये 21 दिसंबर को गिरा था, हम ये देख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या वापस 0.21% का रिट्रेसमेंट लेगा, हम लोग देख सकते हैं इस हायर लो को कंसिडर करके। अगर हम लोग 0.061% की एक बात करें तो यहाँ पे एक बैठता है 13,700 तक का एक सपोर्ट बैठता है, और अभी यहाँ पे 13,900 का एक 50% का रिट्रेसमेंट ले चुका है निफ्टी। और एक रिट्रेसमेंट में देखते हैं कि कल का पोजीशन क्या होगा, मतलब बायर एग्रेसिव रहेंगे या सेलर एग्रेसिव होंगे। अगर हम लोग देखें तो चार ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू सेलर एग्रेसिव है। एक हाई के बाद अगर हम लोग देखें, लाइफ टाइम हाई के बाद, 21 जैन के लाइफ टाइम हाई के बाद प्रॉपरली अगर हम देखें तो एक बेरिश कैंडल बनता जा रहा है। हम उसको एक कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 क्रो कैंडल भी कहते हैं कि तीन एकदम प्रॉपरली तीन कैंडल नेगेटिव बने। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो लाइफ टाइम हाई है 21 जैन 2021 का, अगर हम लोग प्रीवियस हाई अगर देखें लाइफ टाइम हाई, तो वो भी तकरीबन 20 जनवरी 2020 में बना था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस कैंडल को, तो 20 जनवरी 2020 को लाइफ टाइम हाई बना था और फिर एक फॉल आया था। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 21 जनवरी 2021 में एक हाई बना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट डाउन साइड जा रही है। एक रजिस्टेंस है यहाँ, एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे। अगर 0.618% रिट्रेसमेंट करता है निफ्टी तो शायद 13,740 पे रुके। यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले रहा है, जैसे कि 50% का रिट्रेसमेंट दे चुका है, मगर एक हायर लो को हम लोग डाउ तरीके से कहें तो जो ये हायर लो एक था, इस हायर लो को ब्रेक किया है निफ्टी ने। तो जब तक एक हाई बना के वापस एक हायर लो स्टैब्लिश नहीं करेगा डेली चार्ट पे, हम लोग मार्केट को उतना पॉजिटिव नहीं देखेंगे। अगर हम लोग बात करें ईएमएस की तो निफ्टी अपने 5 EMA के नीचे है, प्रॉपरली आप देख सकते हैं क्रॉसओवर है 5 EMA के नीचे है डेली चार्ट में, मतलब 5 EMA, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और 5 दिन के एवरेज के अगर नीचे है तो हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव देखते हैं मार्केट को। यहाँ पे वीकली भी अगर आप देखें तो इस वीक में भी जो निफ्टी है वो 5 EMA के नीचे आ चुका है। अगर आज का अगर हम लोग एक्शन देखें निफ्टी में, तो अगर हम लोग इस वीक की बात करें तो इस दो से तीन ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 2.81% से माइनस हुई है, 404 पॉइंट गिरी है। अगर हम लोग मंथली बेसिस पे बात करें, एक जो कैंडल बना है वो शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना है, रेजिस्टेंस पे आप ये चेक कर सकते हैं, प्रॉपरली शूटिंग स्टार है। यहाँ से मतलब
प्रॉपरली जब बायर ऊपर लेके गए तो सेलर ने बहुत बहुत ही एग्रेसिवली दबाया है बायर को, और यहाँ पे सेलर एग्रेसिव है। हम लोग ये मंथली कैंडल देख रहे हैं, और मंथली कैंडल में ज्यादा नहीं, से 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। देखते हैं दोस्त, 3-4 ट्रेडिंग सेशन में क्या ये शूटिंग स्टार कंटिन्यू रह पाएगा या शूटिंग स्टार का जो पैटर्न है वो शायद बदले। हम लोग बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के अगर आर्ली चार्ट पे अगर हम कंसिडर करें तो बैंक निफ्टी ने 18 18 जैन के लो को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था तकरीबन 22 तारीख को, मगर निफ्टी ने ब्रेक किया 25 तारीख को। अगर हम लोग देखें तो एक लो बनाया था, फिर एक हायर लो बनाया, एक ये हाई है, फिर एक हायर लो है, इससे नीचे लो है, और फिर कंटिन्यू नीचे चला जाता है, नीचे जा रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी बहुत ही ज्यादा मतलब कमजोरी है बैंक निफ्टी में, अगर कंपेयर कर लो निफ्टी के साथ। अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे ये देख सकते हैं कि एक हायर लो इसको ब्रेक किया है, इस लो को भी हायर लो को ब्रेक किया है। अभी जो 20 21 दिसंबर को जो गिरा था निफ्टी, अभी तकरीबन वहां के नजदीक है। आज का एक रिट्रेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है अगर निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी ने जो पहले रिट्रेसमेंट लिया था वो भी 0.61% का था, इस हायर लो से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, अभी यहाँ से कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग यहाँ से एक हायर लो स्टेब्लिश करें तो 0.61% के भी नीचे आ गया है निफ्टी। आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी में कितनी कमजोरी है कंपेयर, बैंक निफ्टी में कितनी कमजोरी है कंपेयर टू निफ्टी। आप ये देख सकते हैं एक प्रॉपरली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, हम लोग ये देख सकते हैं। अभी तो ये बात की हमने डेली चार्ट पे, अभी वीकली चार्ट की अगर बात करें तो वीकली चार्ट पे मतलब 2 वीक से प्रॉपरली नेगेटिव है। लास्ट वीक में भी 3.35% गिरा था, हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो 1000 पॉइंट। अगर आज हम लोग बात करें तो 2.81% गिरा है बैंक निफ्टी, यहाँ पे 882 पॉइंट ये देख सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग मंथली कैंडल की बात करें तो मंथली कैंडल पे प्रॉपरली शूटिंग स्टार जैसा एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, और शूटिंग स्टार कैंडल मतलब आप ये देख सकते हैं कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, और वहां से सेलर एग्रेसिव होके प्रॉपरली बेच रहे हैं माल, और बायर अपने पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे मतलब अब ट्रेंड साइड। तो ये देख सकते हैं कि सेलर ज्यादा एग्रेसिव है यहाँ पर, शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना है। अगर वो ईएमएस की बात करें तो कौन कौन से ईएमए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ईएमए को रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो भी हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कौन कौन से ईएमएस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो डेली चार्ट में अगर हम लोग देखें डेली चार्ट में 5 EMA के नीचे नीचे है, और ये 50 EMA के नजदीक में आ चुका है। अगर हम लोग आज का क्लोजिंग देखें तो 50 EMA के ओनली 4 पॉइंट ऊपर दिया हुआ है। हम लोग ये देखें तो 50 EMA 30,280 का है, और जो क्लोजिंग प्राइस है 30,284 का है। तो एक बहुत ही क्रुशियल लेवल पे बैंक निफ्टी ने आज अपने आप को क्लोज दिया है। अगर हम लोग आर्ली कैंडल में देखें, आर्ली कैंडल में प्रॉपरली नीचे जा रहा है, प्रॉपरली नीचे जा रहा है, मतलब हर दिन एक नया लो बना रहा है। अगर हम लोग देखें डेली चार्ट में तो अपने हायर लो को ब्रेक किया है निफ्टी ने, वे देखते हैं कहाँ तक ये हायर लो प्रॉपरली सस्टेन करेगा। वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में क्रॉस ओवर है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली अपने 5 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, और शूटिंग स्टार बनाया हुआ है प्रॉपरली मंथली कैंडल पे। अगर आज हम लोग NSE की साइट पे जाके देखें कि कौन कौन से शेयर्स प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग थे, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शेयर्स में ज्यादा तेजी रही, और कौन कौन से शेयर्स में ज्यादा वॉल्यूम हुआ, हम लोग NSE की साइट पे आज जाके देख सकते हैं। और FIS का भी हम लोग डेटा देखेंगे कि FIS ने आज नेट में बाइंग की है सेलिंग की है, अगर डेटा आ गया होगा तो हम लोग देखें FIS का डेटा भी हम लोग देखने की कोशिश करें। जो FIS है वो 2 ट्रेडिंग सेशंस है, आप देखें तो 25th और 22 इस 2 ट्रेडिंग सेशंस है वो भी सेलिंग में है, तो दोनों दिन उन्होंने बेचा है माल, और DIS ने उसी दिन बेचा है माल, तो FIS और DIS दोनों सेल कर रहे हैं। अगर आज की अगर हम लोग बात करें तो आज 27 जैन को भी FIS ने प्रॉपरली माल बेचा है 1688 करोड़ का। मतलब ये देख रहे हैं कि FIS अभी मतलब नेट में अगर देखें, हम लोग NSE की साइट पे देख रहे हैं तो हम लोग मार्केट को थोड़ा सा क्रुशियल देख सकते हैं कि मार्केट शायद नेगेटिव साइड दे। हम लोग एडवांस और डिक्लाइन की बात करें तो 38 कंपनीज आज डिक्लाइन थी मतलब नेगेटिव थी, और 12 कंपनी एडवांस मतलब पॉजिटिव थी। एक महिंद्रा, SBI लाइफ, विप्रो ये सब पॉजिटिव कंपनी थी। टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाइटन, इंडसइंड बैंक ये 4-4% गिरे हैं। मोस्ट एक्टिव स्टॉक की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री में, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, एक्सिस और ICICI बैंक में। आइडिया, यस बैंक, टाटा मोटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB में क्वांटिटी ट्रेडेड सबसे ज्यादा है। हम लोग ने FIS के डेटा की बात की, FIS ने आज 16,088 16,088.22 करोड़ का माल नेट में सेल किया है
बाय और सेल के वैल्यू में। अगर आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।